तमाम प्रतिनिधियों को चुन लिया गया। अब जिन उम्मीदों के साथ आवाम ने वोट किया है, हम जानते हैं कि किन उम्मीदों के साथ आवाम ने वोट किया है, हम मालूम करते हैं। आपका नाम? रामेंद्र। आप टीचर भी थे? पोस्ट ऑफिस में। आप कई साल 2001 से अक्टूबर तो आप पंचायत चुनाव को शुरू किया गया, तब से देख रहे हैं, कुछ काम हुआ तो? काम तो हुआ, लेकिन जिस तरह से आदमी संतुष्ट नहीं करता, आदमी का जो ए चाय पी लेने। आपने बदलाव कर दिया, नया मुर्तजा साहब के प्रतिनिधित्व में मुखिया जीता है, किन किन उम्मीद हमने हम लोग और इन्होंने देखा है क्या कमी है पंचायत में, उनके साथ हम लोग का डिस्कस भी हुआ है। हम लोग चाहते हैं जितना कमी है उसको दूर करें, और खास करके वो जो बोला वृद्धा पेंशन वाला गरीब लोगों का, ये एकदम जरूर होना चाहिए। बहुत सारे देखते हैं वृद्धा पेंशन पाने वाला आदमी नहीं मिलता, और जिनको नहीं मिलने वाला वो आराम से वृद्धा पेंशन उठा रहा है, इन लोगों का खाते में नहीं घुस रहा है। क्यों नहीं घुस रहा है इसका निराकरण करे, ब्लॉक में जाए इसका समाधान करें। हम लोग ये चाहते हैं फर्स्ट ये हुआ गरीबों का, दूसरा बात डेवलपमेंट वर्क जो हो, जहाँ जहाँ नहीं हुआ है वहाँ डेवलपमेंट वर्क करें, बस इतना ही। इनसे हम लोग को बहुत उम्मीद है, ये एक शिक्षक भी है। और आप इस उम्मीदों के साथ हमेशा टॉर्चर भी करते रहेंगे कि नहीं? नहीं, मुखिया को हम लोग एकदम हमेशा याद दिलाएंगे, जरूर उनको याद दिलाते रहेंगे कि भाई आपके इसमें आप एक शिक्षक है, आप बहुत दिन पार्टी से भी जुड़े रहे, आप नेता भी हैं, तो आपको हमारे पंचायत के लिए मतलब जानकारी ज़्यादा है, आपको उसी उम्मीद के साथ आपको जीता है और उस उम्मीद का पूरा किया। आप मुखिया चुने बेहतर के लिए, क्या बेहतर आपका प्लान? देखिए हम लोगों को जो चुनाव किए, हम लोगों को जो मुखिया के साथ हम लोग सहयोग किए, मुखिया अब चुनाव में हम लोग एड़ी चुटी लगा दिए, इनमें इनका मैनिफेस्टो था कि हम लोग जो है पंचायत में कोई भी सरकारी अफसर या कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, ग्राम सभा हो, नहीं आते थे। इनका मैनिफेस्टो था कि उनको आकर के पंचायत में ला करके पब्लिक को काम को सॉल्व करेंगे, यही पंचायत में बैठ करके किसी ब्लॉक के हेडक्वार्टर में जनरल से नहीं जाना पड़े, इस तरह का प्रथम मैनिफेस्टो था। दूसरा मैनिफेस्टो था इनका जो है बीपीएल एपीएल वाले को, जो सही आदमी को एपीएल बीपीएल मिलना चाहिए, बड़े लोगों को जमींदारों को नहीं मिलना चाहिए, बहुतों को जमींदारों को बड़े आदमियों को मिल चुका है, वो सोचते हैं कि नहीं सर्वे करके वह गरीबों को जैसे मिलना चाहिए, इस तरह का दूसरा हो गया। तीसरा था जो है वृद्धा पेंशन का, अभी भी 4 महीना 5 महीना 6 महीना को से अभी भी किसी का जो है पैसा नहीं मिल रहा है, नहीं घुस रहा है खाते में, इसका इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यह जो पंचायत में एक बैठक बुलाई जाएगी ग्राम सभाओं को लेकर के, और प्रत्येक दिन साप्ताहिक एक तो बैठक बुला करके वह चीज़ को सॉल्व करने के लिए, यह भी एक मैनिफेस्टो था। तीसरा मैनिफेस्टो था, चौथा मैनिफेस्टो था कि ग्रामीण जो सड़क जो पुल पुलिया जितना भी है गड्ढा उड्ढा जो है, जो जहाँ जो गंदगी फैला हुआ है उनकी साफ सफाई के लिए भी व्यवस्था किया है, और एक जनता दरबार, एक जनता दरबार लगाने के लिए प्रत्येक वार्ड में इन्होंने एक मैनिफेस्टो में दिया था कि प्रत्येक वार्ड में जाएंगे एक छोटा सा नुक्कड़ सभा करेंगे, उस नुक्कड़ सभा में समस्या दिखेंगे कि पब्लिकों के क्या क्या समस्या है, इन समस्या को वो नोट करके वह सॉल्व करने का इनका जिनका वाहिदा है, जिनका क्षमता है उसी के अनुसार यह भी सॉल्व करेंगे, यही लेकर के मैनिफेस्टो लेकर के यह चुनाव में लड़े, जो ने जनता ने जीत दिया। दास ग्राम के मुखिया में जितने भी कार्य होते हैं उन कार्यों को 5 साल के लिए मुर्तजा साहब के प्रतिनिधित्व में छोड़ दिया, ऐसा क्यों किया? हम लोग किसी भी काम को किसी के प्रतिनिधित्व में नहीं छोड़ते, उसका कर्म होता है, उसका फर्ज जो बनता है वो फर्ज नहीं निभा रहा है, हम लोग क्या करें, हम लोग तो कभी जो काम किया है तो हम लोग बाधा भी डालते हैं, नहीं सुनवाई नहीं होती है, कहीं गड्ढा होता है सड़क बनती है वहाँ बोलते हैं तरह गड्ढा गड्ढे में मिट्टी डाल दो, नहीं बोले अपने से हो जाए तो नतीजा बाद में तो खराब होगा ही। धन्यवाद देते हैं, एक ओहदा उसे संभालने दिए, उम्मीद करते हैं वो ओहदे पर सही तरीके से निभाएंगे। मेरी तो उम्मीद ज़्यादा है और उसको भरोसा भी है, उसका जो हुनर है तो उस हुनर के हिसाब से ये तो संभाल लेगा, ये पूरा काम संभाल लेगा, और जो हम नहीं बोलेंगे वो भी संभालेगा। आने वाले फ्यूचर में देखिए 5 साल के अंदर क्या होता है,
हमारी चिंता है, तो उसको भी कभी कभी बोला जाता है तो ऐसे ठीक से रहो, पूरा पब्लिक के साथ जम के रहो, यानी कोई भी काम निर्णय लोग सबके साथ बेहतर रास्ते मुखिया जी को बताते जाएंगे और विकास होता जाएगा। उम्मीद है ये लड़का है, हुनरबाज है, टेक्निक है, सबके साथ कैसे मिलना है, कैसे काम निकालना है, इस बखूबी ये जानता है। और इसे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा।